लगता है डॉक्टर के आने का इंतजार अब और नहीं होगा। कोशिश करिए मेम सर, चंद्र ग्रहण लगने वाला है। शुभ नहीं होता, जल्दी हो जाए तो अच्छा है। जल्दी कीजिए, देखिए चंद्र ग्रहण लगने ही वाला है। बेटा और आप तो इतने अच्छे गुड बॉय हो, आपको कोई क्यों मारेगा, है ना? कोई नहीं बेटा वहां पे। देखो पापा भी बोल रहे हैं बाहर में कोई नहीं है, आप ऐसे ही डर रहे हो।
और आप तो इतने स्ट्रांग हो, आपको कोई क्यों मारेगा? और आज तो मेरे कार्तिक का बर्थडे भी है, मेरा कार्तिक तो 6 ईयर ओल्ड का हो जाएगा। स्माइल 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 स्माइल। जोर से शाबाश। हैप्पी बर्थडे टू यू। कमल हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर कार्तिक। हैप्पी बर्थडे टू यू। भैया का बर्थडे ना। थैंक यू। आज मेरा बेटा पूरे 6 साल का हो गया है ना। भगवान तुझे बहुत सारी लंबी उम्र दे, मेरी उम्र भी तुझे लग जाए है ना। गुड़िया भैया को हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे कार्तिक भैया। थैंक यू। जल्दी जाओ जल्दी से जाओ। खेलने चलते हैं। चलो जाओ जाओ जाओ। बी केयरफुल। हाँ आराम से आराम से आराम से खेलते हैं। मैं चुप रहो, तू मुझे ढूंढो। अरे बच्चों संभाल के, गिर जाओगे। अच्छा होना कार्तिक बाहर चला गया खेलने के लिए, वरना ऐसे अकेले गुमसुम बैठ के पता नहीं कहाँ खोया रहता है। सच कहूँ, तुम नहीं होती ना पता नहीं कार्तिक का क्या होता। एक बिन माँ के बच्चे को अपनाना, इतना प्यार करना, उसे इतनी केयर करना, कोई कह सकता है कि तुम उसकी सौतेली माँ हो? अनिल ऐसे क्यों बोल रहे हो सौतेली माँ? सॉरी। कार्तिक मेरा बेटा है और पता है कुछ दिनों से ना वो बहुत गुमसुम रहता है, मुझे उसकी बहुत चिंता होने लग गई है। लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं है। क्यों? कि तुम हो। वो तो मैं हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ये बच्चा बचना नहीं चाहिए, वरना तुम सब कोई नहीं बचोगे। क्या बकवास कर रहा है तुम? पुलिस से बुलाओ। बहुत बड़ी पोल कर रहे हो तुम। इस बच्चे को मार डालो, मार डालो इस बच्चे को, वरना वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगली अमावस्या तक सब खत्म हो जाएगा। ये बच्चा राक्षस है, राक्षस। ये तुम सबको खा जाएगा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ क्यों माना चाहते हो तुम मेरे बच्चे को? ये बच्चा नहीं, दृत्य दैत का साया है, शैतान का साया है। ये तुम सबको जिंदा नहीं रहने देगा। इसे मार डालो वरना तुम सबको ये खा जाएगा। इसके शरीर पर राक्षस का साया आ जाएगा। बस अमावस्या तक का वक्त है तुम्हारे पास। मार डालो इस बच्चे को, वरना मार नहीं पाएगा। डरने की जरूरत नहीं है। देखो देखो मम्मा है ना आपके पास में, बच्चा डरना नहीं है। मम्मा है ना, ठीक है बेटा। भाग गया वो, अजीब सा आदमी था। बेटू लेकिन मैं कल पुलिस में जरूर कंप्लेंट कर दूंगा। रो मत बेटा, कुछ नहीं हुआ तुझे। चल मैं हूँ ना। अच्छा Thank you.
पता है बहुत अजीब सी बात है, कल रात को कार्तिक मुझे बता रहा था कि कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। गलती शायद मेरी है, मुझे लगा वो उसका बहन है। तुम्हारी गलती नहीं है जया, वो हमेशा ही थोड़ा डरा डरा सा रहता है। एनीवेज आओ। छोटी मैम साहब, आपने सुना वो आदमी क्या कह रहा था? वो आदमी बिल्कुल सही कह रहा था मैम साहब, कार्तिक बाबा के पैदा होते ही बड़ी मैम साहब चल बसी थी। लेकिन उनकी मौत में इस छोटे बच्चे का क्या दोष? अब बच्चे का क्या दोष ये तो हमें नहीं पता, लेकिन आपने वो नाम सुना धृत राक्षस? तो मैम साहब वो आदमी मारते वक्त यही नाम बड़बड़ा रहा था और सुधा मैम की जुबान पर भी यही नाम था। ये सब का क्या मतलब है मैम साहब? कार्तिक बाबा ना चंद्रग्रहण के टाइम पे पैदा हुए थे और हम गांव में सुना है कि चंद्रग्रहण वाले दिन ना काले शैतान का साया होता है, उसी का राज होता है और किसी खास नक्षत्र में पैदा होने वाले बच्चे पर धृतदैत्य का काला साया होता है। मैम साहब बस बहुत हो गया, ये गांव में ना तुम लोग बहुत अंधविश्वास की बातें करते हो। एक बात कहूं मैम साहब, आप भगवान को तो मानती हो ना? हाँ। तो फिर शैतान को मानना अंधविश्वास कैसे हो गया? मम्मी
तीन रात और बची है, उसके पश्चात अमावस्या की रात को कार्तिक तुम और मैं एक हो जाएंगे। कार्तिक बेटा, यू ऑल राइट टुडे? नाश्ता लग गया है बेटा, स्कूल के लिए देर हो रही है। ये लो बाबा। मुझे नहीं खाना है। ऐसा नहीं बोलते बेटा, खा लो। मुझे नहीं खाना। बैड बॉय, जल्दी से खत्म करो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आती हूँ, ठीक है? शांत भाई, क्या हुआ? शांत भाई क्या हुआ? कार्तिक बाबा, क्या हुआ कार्तिक को? क्या हुआ कार्तिक? शांत कार्तिक, बच्चा एक काम करो, आज आप स्कूल मत जाओ, ठीक है? आज आप रेस्ट करो। चलो आप यहाँ जल्दी से लेटो, मम्मा आपके लिए दवाई लेके आ रही, ठीक है? कार्तिक बाबा का जन्मदिन गया ना, तब से यहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। हाँ जरूर कोई शैतानी साया है। क्या उठपटान बातें करती रहती हो तुम? कार्तिक बाबा की आंखें बदल रही है, उनका रवैया बदल रहा है। बस करो शांता भाई, काम में ध्यान दो। मैं और साहब कहीं जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, तुम बस बच्चों का ध्यान दो, ये सब बातें छोड़ो, ठीक है? देखिए मैम साहब, मेरी बात मानी, कार्तिक बाबा की जान को खतरा है। बस करो शांता भाई।
कार्तिक बाबा, 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 तुम तो हमको डरा ही दिया था। यहाँ जरूर कोई शैतानी साया है। कार्तिक बाबा की आंखें बदल रही हैं, उनका रवैया बदल रहा है। अरे क्या हो गया तुमको बाबा? बाबा तुमको क्या हो गया? अरे इतना अंधेरा क्यों हो रखा है? ये क्या हो गया? अरे शांता भाई, अरे शांता भाई, शांता भाई कहाँ हो? शांता भाई ये सामान क्यों बिखरा पड़ा है? इंस्पेक्टर साहब, अलमारी खुली हुई है, लेकिन फैक्ट यह कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि शांता भाई ऐसा कर सकती है। अलमारी से कुछ गायब तो नहीं हुआ? सर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गहने जरूर गायब हैं, लेकिन पूरा चेक करने के बाद ही बता सकते हैं। ठीक है, हम रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर अपनी निगरानी लगा देते हैं। आप परेशान मत होइए, वो कहीं भाग कर नहीं जाएगी। जी सर, थैंक यू सो मच। जय, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि शांता भाई ऐसा कर सकती। कार्तिक के बर्थडे के बाद से ही कांता भाई बहुत अजीब सा बिहेव नहीं कर रही थी। ठीक है यार, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि अलमारी हमेशा खुली रहती है और शांता भाई को गहने चुराने थे तो चुरा सकती थी ना। ये सब तहस नहस करने की क्या जरूरत थी? थैंक गॉड हमारे बच्चे से। आपको तो मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा साया हमेशा तुम्हारे साथ है। एक दिन आएगा, चांद छुप जाएगा, सूरज गायब हो जाएगा, इस धरती पे सिर्फ अंधेरा ही होगा, सिर्फ अंधेरा। कार्तिक, कार्तिक ये तुम क्या बोल रहे हो? ओ मम्मी, हम लोग का एनुअल डे आ रहा है ना, उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। मैं ड्रामा में पार्टिसिपेट किया। अच्छा, मेरा बच्चा ड्रामा में पार्टिसिपेट करेगा? हाँ। नाइस, चलो अभी जल्दी से ये दूध पी लो। ठीक है, वेरी गुड बॉय। कार्तिक, व्हाट्स दिस? तुमने अपने कमरे की क्या हालत बना रखी है? कार्तिक, ये सब क्या है बेटा? दिखता नहीं है। कार्तिक, ये तुम कैसे बात कर रहे हो मेरे से? What is this? इधर आओ, बताओ मुझे ये सब क्या है?
कार्तिक तुम बहुत शैतान हो गए आजकल। बस मुझे मत बता मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तुम मेरी मां नहीं हो। शरीर पे वो निशान झूठे। अनिल व्हाट्स रॉन्ग विद यू। कार्तिक मेरा भी बेटा और तुम्हें पता नहीं आजकल वो बहुत अजीब से बिहेव करने लगे है। और एक माँ होने के खाते मेरा पूरा हक बनता है कि अगर वो गलती करे तो मैं उसको उसको क्या पीटो। तुम्हारा बच्चा नहीं है ना वो। सही कहते हैं लोग तुम सौतेली माँ हो और सौतेली ही रहोगी। ये तुम क्या कह रहे हो अनिल। सही कह रहा हूँ मैं। इतनी बेदर्दी से इतने छोटे बच्चे को कोई मारता है। कोई फर्क नहीं है तुम में और उस पागल आदमी में जिसने कल उसे मारने की कोशिश की थी। अनिल जस्ट स्टॉप इट। शट अप। चोरी का इल्जाम हमने शांता भाई पर लगाया था। कहीं उस आदमी की बात और शांता भाई की बात सच ना हो जाए। ये बच्चा नहीं नित्य दैत का साया है। ये तुम सबको जिंदा नहीं रहने देगा। इसे मार डालो वरना तुम सबको ये कहा जाएगा। कल कार्तिक बाबा का जन्मदिन गया ना तब से यहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। यहाँ जरूर कोई शैतानी साया है। मुझे उस आदमी को ढूंढना पड़ा। मुझे पता था कि आप यहां आएंगे लेकिन काफी देर के बाद आए। ये क्या हो रहा है मेरे कार्तिक को। कार्तिक के ऊपर शैतान का साया है। मैंने चेतावनी दी थी आपको लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चंद्रग्रहण। कार्तिक पूर्ण चंद्रग्रहण में पैदा हुआ था। सर्पधारी के अंदर राक्षस गुणा योग में है।
नक्षत्रों का ऐसा योग, अंधेर काल, ब्रह्म राक्षस, धृत्य दैत्य का है। धृत्य दैत्य? हाँ। वो काली शक्ति जो पूर्ण अंधकार का स्वामी है, और उस योग में जो भी बच्चा पैदा होता है वो उसी का हो जाता है। और जन्मों तक उसके ऊपर ब्रह्म राक्षस का साया रहता है। लेकिन ये सब आपको कैसे पता? इसलिए क्योंकि आज से 14 साल पहले मेरा बेटा भी इसी काल में पैदा हुआ था, और जब वो 6 साल का हुआ तो उस समय ब्रह्म राक्षस ने उसके आत्मा को अपने कब्जे में कर लिया, और उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। और कार्तिक भी अब 6 साल का हो गया है, और उसकी आत्मा भी ब्रह्म राक्षस के गुलाम हो गई है। नहीं, अब क्या होगा? अब वही होगा जो ब्रह्म राक्षस चाहेगा। धीरे धीरे वो सब कुछ नष्ट कर देगा, और फिर कार्तिक के आसपास वही सब कुछ होगा जैसे मेरे परिवार के साथ हुआ था, और उसके बाद कार्तिक भी नहीं बचेगा। उसकी मौत और भी दर्दनाक होगी, और उसके 7 जन्म तक दैत्य दैत्य का उस पर अधिकार होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे कार्तिक के साथ में। अब इस अनहोनी को कोई नहीं टाल सकता। आज अमावस की रात है, अंधेरे की रात। आज की रात वो सबकी बलि लेगा, सबकी बलि लेगा वो। पहले कौन चढ़े ऊपर देखते हैं, पहले कौन। मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। ओ पीछे रह गई तू, पीछे रह गई तू। आजा कार्तिक। हेलो मम्मा, कहाँ? पता नहीं। लेकिन कोई तो रास्ता होगा उसे रखने का। हाँ, एक रास्ता है। अगर तुम अपने परिवार को बचाना चाहती हो तो रात होने से पहले तुम्हें कार्तिक को मारना पड़ेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। कार्तिक मेरा बेटा है, मैं उसकी माँ हूँ। तो फिर कार्तिक को उसका आत्मबल ही उस ब्रह्म राक्षस से बचा सकता है, पर ये मुमकिन नहीं है। अब चुनाव तुम्हारे हाथ में है, या तो तुम अपने एक बच्चे को बचा लो, या फिर दोनों बच्चों को गवा दो। और हाँ, एक बात और, तुम या किसी और ने उसे रोकने की कोशिश भी की तो वो भी नहीं बचेगा, वो भी नहीं बचेगा। नहीं, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा, समझे तुम? फोन क्यों नहीं लग रहा है इसका? कार्तिक बेटा, तूने कुछ खाया? नहीं, मम्मी मुझे अकेला छोड़कर चली गई, तब से कुछ भी नहीं खाया। अब आप लोग आ गए और रात भी होने वाली, पेट भर कर खाऊंगा। चलो सोना, खेलने चलते हैं। चलो भैया, खेलने चलते हैं। चलो जाओ। हेलो, कहाँ हो तुम? अनिल, आप कहाँ हो? बच्चे कहाँ हैं? बच्चे ठीक है ना? बच्चों की कब से तुम्हें फिक्र होने लगी? और इतनी अगर तुम्हें फिक्र होती ना तो कार्तिक को अकेले घर में भूखा प्यासा छोड़ के बाहर नहीं घूम रही होती तुम। हेलो अनिल, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगी, बस आप कार्तिक को सोना से दूर रखना। कार्तिक के ऊपर ब्रह्म राक्षस का साया है, और आज अमावस्या है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। बस आप बच्चों का ध्यान रखना। व्हाट नॉनसेंस जया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अब बकवास बंद करो, जल्दी कराओ।
अमावस्या ब्रह्म राक्षस नॉनसेंस। रुकिए, मैं भी आपके साथ चलता हूं। मैं अपने बेटे जीतू को तो नहीं बचा पाया, पर कोशिश करूंगा कि आपके बेटे कार्तिक को बचा सकूं। हाँ हाँ चलिए। कार्तिक सोना चलो कुछ खा लो। शांता भाई, शांता भाई, शांता भाई, सोना, सोना, कार्तिक, कार्तिक, सोना। कार्तिक, छोड़ दो भैया मुझे। कार्तिक, छोड़ दो भैया मुझे, छोड़ दो भैया मुझे, छोड़ दो भैया मुझे, छोड़ दो भैया मुझे। कार्तिक, क्या कर रहे हो तू? छोड़ उसे। सोना, ठीक है ना तू? हाँ, बेबी। चल यहाँ से, निकल। क्या कर रहा तू? हाँ, क्या कर रहा तू? मुझे बता, क्यों मार रहा था अपनी बहन को? क्यों मार रहा था सोना को? बोल। कार्तिक, होश में आओ बेटा, ये राक्षस हमारे परिवार को मार डालेगा। निकलो इसके चंगुल से बेटा, होश में आओ कार्तिक। आराम से, आराम से बैठिए। आ बैठिए, मैं आता हूँ। कार्तिक, कार्तिक,
मामी को बलि चाहिए। मुझे डर नहीं लगता, मुझे मेरी मम्मी चाहिए।